नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आज श्री वीपी गोयल जी हमारे साथ हमारे अन्य ग्रहों पर आज हम नई सीरीज चलाने वाले हैं, तो उसके लिए नई सीरीज के लिए गोयल जी का आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। एक नई सीरीज चलाने के लिए और ग्रहों के रहस्यों को उजागर करने के लिए सर आए हैं, बहुत शुक्रिया। कोई बहुत बड़े रहस्य नहीं है ग्रहों के जी, सब लोग रोज नाम राहु केतु सूर्य चंद्रमा बोलते ही रहते हैं जी, ठीक है ना। बस सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होती है कि भैया सूर्य अच्छा फल दे रहा है बुरा फल दे रहा है, तो ये एक चीज पे निर्धारण नहीं होता है जी। ये मैं शुरू में ही बोल रहा हूं। तो हम कुछ बड़े नियम, मतलब कैसे उसको देखना है, कैसे स्टार्ट करना है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, ठीक है जी। जी सर, ये अब ध्यान से सुनना। सब हम जानते हैं कि भाई इनके मित्र कौन है, हाँ जी, शत्रु कौन है जी, और सम कौन है जी। तो हम ज्यादातर यही कहते हैं भाई ये शत्रु राशि में है तो अच्छा फल नहीं देगा, मित्र राशि में है अच्छा फल देगा, शुभ से दृष्ट है, किस भाव का स्वामी है और कहां बैठा है। अब ये लिंक तो बड़ी बड़ी चलती चली जाएगी। आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपने सबने मूल त्रिकोण भी सुना है जी, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि मूल त्रिकोण का फायदा क्या है, क्या करें उसको, कैसे इस्तेमाल करें। हाँ ये बात तो है, है ना। हाँ जी, सब यही कह देते हैं भाई मूल त्रिकोण है, हाँ जी, तो बली है, हाँ मूल त्रिकोण में है जी। एक चीज भूल जाते हैं कि जो हम परमानेंट फ्रेंडशिप और एनिमी देखते हैं जी, वो हम मूल त्रिकोण से देखते हैं। ओ बहुत ही गूढ़ बात बताई सर आपने, बताई ना कहानी जी। जब भी भाई अलंकार में आप पढ़ रहे थे, हाँ जी, तो उसने यही कहा था ना कि जो मूल त्रिकोण साइन है, हाँ जी, उसको लगन बना लो जी वो तो भूल गए सर, डिसाइड कर लो, सब भूल गए जी सर बिल्कुल। तो भैया उसका मतलब वो है ओके, कि वो मूल त्रिकोण से ज्यादा अच्छा फल देखना चाहिए उसका, वाह सर, वहीं से उसके शत्रु और मित्र बनते हैं। तत्कालिक जी, ठीक है जी सर। तो सूर्य का मूल त्रिकोण है हाँ सिंह राशि, जी सर, सिंह राशि से 6, 8, 12 जी। मैं सर एक शेयर कर लेती हूँ ये पावर पॉइंट, ठीक है जी सर, तो वहां से हम देखते हैं उसको, जी सर। तो आप ये देखो कि ये पहला स्टेप है, जी सर, ठीक है जी सर। यहां पर अब 12 जो है वो चंद्रमा की राशि है, जी सर, और 8 जो है वो बृहस्पति की राशि है, हाँ जी, तो क्या ये गलत राशियां हैं, अच्छी राशि नहीं है। अब यहां से क्या आता है कि जो उसके मूल तत्व हैं, बैठा तो मित्र की राशि में, जी, जो उसके मूल तत्व हैं, अगर उस पर एक पाप संबंध और आ जाता है जी,
तो वो मूल तत्व खत्म हो जाते हैं। तो इससे हमें बहुत अच्छी तरह पता चल जाता है भाई कि कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठे बैठा है कुंडली में, चाहे कोई भी लग्न है जी। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक। अब जैसे चंद्र, ये देख लो मंगल की राशियां। हाँ जी, मंगल मित्र है जी ठीक है जी। और वो अब मूल त्रिकोण से कहाँ है, चतुर्थ है और नवम है जी, इसलिए मंगल यहाँ योग कारक है जी। तो सूर्य के लिए मंगल योग कारक है। जी अब 6, 8, 12 का ज्ञान ले लो जी। यहां से छठा है शनि मकर। मकर, अब मकर संक्रांति को कितना ज्यादा महत्व दिया जाता है जब सूर्य महाराज वहां आते हैं कि वो शनि के घर में आते हैं, राजा सेवक के घर में आता है ठीक है। जी। अगर यहां पर उसको पाप दृष्टि और पाप संबंध मिल गया तो एक तो राजा वहां पर दीन होकर के उसको अपने सेवक को बड़ा करने के लिए शनि से दोस्ती करने के लिए वहां आता है, पर अगर वहां उसका तिरस्कार हो जाए, हाँ पाप ग्रह मिल जाए, तिरस्कार हो जाए, तब वो राजा अच्छा फल नहीं देता, वो क्रोधित होगा, दंड देगा। ठीक है भैया जी सर। तो ये एक बहुत सरल तरीका है। जैसे पाइसिस में जी आत्मा मोक्ष के स्थान में गई, जी गुरु के स्थान में गई, ये गुरु का घर है जी, मोक्ष का घर है। हाँ जी। और राजा अब वहां गया, अब वहां अगर उसको सपोर्ट मिल जाए तो वो अति प्रसन्न है, नहीं तो अगर सपोर्ट नहीं मिली तो आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा, आत्मा को गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये बहुत जनरल सी बात बता रहा हूं मैं, ये बिल्कुल सर, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है। हाँ इम्पोर्टेंट है लेकिन। हाँ अब आप देखो तीसरा घर भी अच्छा नहीं माना गया है, तो सिंह से तीसरा तुला, तुला में राजा जी जो है वो अपनी सारी ईगो सारा अहंकार खत्म हो जाता है और वो नीच गिर जाते हैं ठीक है। अगर यहां सपोर्ट मिल जाए तो आत्मा का उत्थान होगा, नहीं तो नहीं होगा जी। यहां आना गलत बात नहीं है। अगर वो नीच का हो गया राजा तो वो सबकी सेवा करेगा, सबका ध्यान रखेगा, उसका अहंकार खत्म हो गया, पर वो कब निकल के आएगा, जब उसको अपने मंत्री का, अपने गुरु का, सेनापति का, मतलब जो उसके दरबारी है उनको, उनका साथ, उनका साथ मिल जाएगा जी, तब वहां राजा बहुत बड़ा दानी हो जाएगा। और शुक्र को शत्रु मानता है, अब यहां से अगर वो वृषभ में रहता है तो वृषभ कौन है, दशम, वृषभ अब इससे दशम हो गया जी। ये अब राजा अपने मूल त्रिकोण से अपने कार्य क्षेत्र में जाता है, यहां पर वो राजा की कुर्सी पे बैठता है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, राजदरबार, राजदरबार
तो वृषभ में वो राज दरबार में बैठता है सुख आसन पर, अपने आसन पर बैठता है जी, और यहां पर वो न्याय करता है जी, चाहे दंड दे या अवार्ड दे जी। तो टॉरस के सूर्य की ये पोजीशन होती है। बहुत ही अच्छी सर। अब आ गए भाई साहब बुध महाराज की। अब मजे की बात क्या है कि बुध सूर्य को मित्र समझता है, हाँ जी, सूर्य मित्र नहीं समझता जी। सूर्य क्या समझता है उसे? न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो वो अब जब दुनियादारी की बुद्धिमानी आती है, देखिए राजा को विजडम भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और दुनियादारी की तिकड़म में भी चाहिए। हाँ जी। तो वो दुनियादारी की तिकड़म में वो न्यूट्रल है जी। बुध की राशि में जी, पर जो तिकड़मी है वो बुध वो खुश है कि मेरी तिकड़म को सहायता करने के लिए राजा खुद आ गया। जी ठीक है जी। तो यहां अगर बुध को सहारा मिल जाए और जी, यहां अब मैं सूर्य को नहीं देखूंगा जी, अब मैं बुध का बल देखूंगा। ओके, अगर बुध को बल मिल गया तो वो राजा को अपने अंगूठे के नीचे दबा लेगा बुद्धिमानी से, अपनी तिकड़मों से, तिकड़मों से जी, अपनी बुद्धि से जी। तो यदि अगर बुद्ध बली है और वो इनको दृष्ट कर जाए या साथ बैठ जाए आकर, दृष्ट तो कर ही नहीं सकता क्योंकि दूर नहीं जा सकता जी, वो साथ में बैठ गया तो वो बंदा तिकड़म ही हो जाता है जी, राजा तक उसकी तिकड़म चलती है जी। ठीक है भाई, जी सर, आया मजा? सर बहुत मजा आ रहा है। ऐसे देखते जी कि ये कहां क्या करेगा, और जो सूत्र आपके बने हुए हैं ना किताबों में, हाँ जी, वो भाई साहब यहीं से निकलते हैं। सर मूल त्रिकोण से कभी मतलब अभी आप अगर देखो मिथुन में या कन्या में सूर्य है जी, ये अपना जीवन के दुनिया के सारे काम करने में तेज होगा, वाचाल होगा, ऐसा बोलते हैं जी, लिखा होगा सब किताब में लिखा हुआ है। और सिंह से कन्या मिथुन तो वैसे भी लाभ की हो जाती है, तो वहां वो व्यापारी भी लाभ हो जाता, दोनों ही लाभ के हैं ना, दोनों ही लाभ के जी, सिंह से दोनों लाभ के हैं जी। किसको लाभ? बुद्ध को लाभ हो रहा है, बुद्ध को, बुद्धि और सिंह को भी लाभ हो रहा है, सिंह के लाभ के, तो राजा को भी पटा लिया ना उसने जी सर, ठीक, राजा को गलत काम नहीं करना चाहिए जी, परंतु दुनियादारी चाहिए राजा को जी, राजा को उसकी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जी, परंतु उसको समझना चाहिए। और सर चंद्रमा के साथ तो अस्त हो जाता है। भैया आपने कितने योग देखे हैं जी, चंद्रमा और सूर्य एक्सचेंज हो जाए हत अनंत योग हो जाता है जी, ठीक है ना जी। राजा जो है अपने से, भाई देखो सिंहासन है, एक पे राजा एक पे रानी है जी सर, तो राजा जाके रानी के सिंहासन पे बैठ गया जी, तो रानी कहाँ जाएगी? वो उसके सिर पे बैठेगी ना जी सर, है नहीं? तो वो अपनी सीट छोड़ के वहां चला गया है जी। तो इसीलिए हथ हनंत योग कि वो जान बूझ के अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारता है, यही तो कर रहा है वो अपनी सीट छोड़ के। और फिर अपने से बार बार तो बेड प्लेजर भी हो जाता है। भैया मैं तो रानी की राजा था, मैं साथ की सीट पे बैठ गया जाके जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो रानी को तो डिस्प्लेस कर दिया उसने जी, हैं? और खुद के सम्मान की जगह वो जाके रानी की जगह बैठ गया
जी तभी तो हथ हनंत योग बोला इसको, हाँ जी हाँ जी याद है ना, हथ हनंत योग। जी मैं इसमें ये नहीं बता रहा भाई ये हड्डियां है, ये आत्मा है, ये है स्वास्थ्य है, गवर्नमेंट जी है, ये सब हाँ जानते हैं। हाँ कारक तो मैं तो सबको, एक तरीका बता रहा लेकिन हूं। कारकत्व सबको मालूम है, उसको लगाते हुए हम हाँ, जी तो अब जो है ये किस तरह से, और ये आता है वहीं से जहां से हमारे ये शत्रु मित्र डिसाइड होते हैं, जी है नहीं? जी सर चलो हो गया, जी सर तो सर ठीक है। इसके लिए वो मेष में इसीलिए अच्छा ज्यादा रिजल्ट देता है क्योंकि कारक भी होता है, उच्च का भी होता है अपने से नवम में। वो ठीक है, मैं तो मूल त्रिकोण मान के चला है ना। जी सर मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हाँ, सिंह से ही नवम में जाके और क्यों होता नवम है नवम में उच्च का, कहाँ होता है? क्षत्रिय के घर में जाकर के होता है। हाँ, जी वो बहुत मुश्किल है बताना कि क्यों ये लिखा गया है। ओके मैं तो एक कुंडली में देखने की वो बता रहा हूं, अब चाहे किसी लग्न की भी कुंडली। सर मैंने वो लास्ट टाइम लगी नहीं थी जो लता मंगेशकर जी की, आज लगा दी है तो हाँ, अब इस यहां देख लो, सूर्य, जी सूर्य विरगो में बैठे हैं बुद्ध के साथ और बुध का साथ मिल गया बुध को, जी तो वर्ल्डली चालबाजी थी ना दिमाग में, हाँ जी किसी और सिंगर को आने थोड़ी दिया। जी मोहम्मद रफी ये ज्यादा पॉपुलर हो गया, उससे लड़ ली। जी तो दुनियादारी में राजा भी इसकी बात मान रहा है, सुख है वो यहाँ पर राजा आ गया भाई। अब आजा उसको जी छोड़ो तुम फोर्थ, सर जी सर ओके अब राजा जो है वो बुध की राशि में है और बुध बली है, जी तो वो राजा का फायदा बुध उठाएगा। ओके बुद्धि मेरी जो चालबाजी है वो मैं उसका फायदा उठाऊंगी, जी यही तो बताया मैंने। यही बताया जी ठीक है जी, ठीक है सर चलो ओके सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच, आज आपने सूर्य के बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, अब हम इंतजार करेंगे बाकी भैया, के यही है, जी लोग बाग पढ़ लेते हैं जी सोचते नहीं है। सही कहा सर ठीक है, जी सर, चलिए। अब सोचना शुरू करेंगे नहीं, अब ये देखो, जी ये किताब में थोड़ी लिखा है कहीं, हाँ जी बिल्कुल मैं जो बताता हूं वो किताब की बात नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर से सर के साथ, अन्य ग्रहों के बारे में ये सीरीज जारी रहेगी, आपके सुझावों का इंतजार रहेगा, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें शेयर करें। हम आपको बता दें हमारा D9 नवांशा का जो वर्गा चार्ट है उसके ऊपर वेबिनार लेकर आ रहे हैं, 27 मार्च से वेबिनार है, आप सब जो भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप करें या मेल करें, आपको उसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलो जी, नमस्कार।